चीन की हरकत का जापान ने करारा जवाब दिया है। पहली बार इतिहास में कुछ ऐसा किया है। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के साथ तो यूएन में गजब का खेल हो गया। शहबाज शरीफ कितना भी चिल्लाए आवाज नहीं गूंज रही है। जानेंगे क्या चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के उकसावे भरी कार्रवाई के जवाब में जापान ने अपनी नौसेना के विध्वंसक को चीन और ताइवान के बीच भेज दिया है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल का डिस्ट्रॉयर बुधवार 25 सितंबर को ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा है। ये पहली बार हुआ है जब जापानी विध्वंसक JS सजानामी ताइवान स्ट्रेट से गुजरा। इसके पहले अगस्त में चीनी टोही विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। जापान की ताजा कार्रवाई को चीन की उसी हरकत का जवाब माना जा रहा है। योमियूरी सिंबुन की रिपोर्ट के अनुसार जापानी सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इस अभ्यास का आदेश जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने किया था। जापान का मानना है कि अगर चीनी घुसपैठ का जवाब न दिया गया तो बीजिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकता है। JS सजानामी ने बुधवार सुबह चीन सागर की ओर से ताइवान स्ट्रेट की तरफ अपना मार्ग शुरू किया। 10 घंटे से ज्यादा समय तक दक्षिण की ओर चलने के बाद शाम को यह ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के नौसैनिक जहाज भी ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरे। जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल गुरुवार को दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भी हिस्सा लिया। इस साल अगस्त से ही जापान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। 26 अगस्त को जापान के समय अनुसार सुबह 11 बजे चीनी टोही विमान सांगसी Y9 ने पूर्व की तरफ से जापानी एयर स्पेस में घुसपैठ की थी। इसके बाद 18 सितंबर को चीन नौसैनिक जहाज योनागुनी और एरियामोटे आइलैंड के बीच से होकर गुजरे थे। इसमें चीनी विमानवाहक पोत लियाओनिंग भी शामिल था। पहली बार जापान के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि चीनी एयरक्राफ्ट ने जापानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया और चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास से होकर गुजरा था। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच मौजूद समुद्री क्षेत्र है। इसके सबसे संकरा क्षेत्र 130 किलोमीटर चौड़ा है। किसी देश की जमीन से 12 समुद्री मील यानी कि 22 किलोमीटर का जल क्षेत्र उसका क्षेत्र माना जाता है। अमेरिका समेत कई देश ताइवान स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानते हैं, इसे किसी देश का हिस्सा नहीं मानते। हालांकि चीन ताइवान स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र बताने का विरोध करता है। बीजिंग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रख हुए जापान इस क्षेत्र में अपने नौसैनिक जहाजों को भेजने से परहेज करता रहा है। हालांकि जापानी तटरक्षक बल के जहाज तूफान से बचने के लिए ताइवान स्ट्रेट के ऊपरी समुद्र में रहे हैं, लेकिन कभी जलडमरू मध्य से नहीं गुजरे। पर अब धीरे धीरे बदलता दिख रहा है जापान, और जापान को बदलने में वापस अपने पुराने वाले फॉर्म में लाने में किसी और का नहीं बल्कि चाइना का योगदान खूब है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर UNSC से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। पाकिस्तान के बार बार गिड़गिड़ाने के बाद भी UN से कोई एक्शन नहीं लेने पर बौखलाए शहबाज शरीफ ने कहा कि UNSC जम्मू कश्मीर को लेकर चल रहे विवाद को अब ज्यादा अनदेखा नहीं कर सकता है। शहबाज ने दावा किया कि कश्मीर विवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। शहबाज शरीफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अकेला पड़ गया है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कई साल बाद कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने वार्षिक भाषण में नहीं उठाकर अपने इस्लामिक भाई पाकिस्तान को झटका दे दिया। शहबाज शरीफ ने सुरक्षा परिषद से ये भी आरोप लगाया कि भारत की ओर से कश्मीरी लोगों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। शहबाज ने सुरक्षा परिषद से मांग की कि वो इसे खत्म कराए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र कश्मीर में आत्मनिर्णय कराने के अपने प्रस्तावों को लागू कराए। पाकिस्तानी PM यही नहीं रुके, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात की और मांग की कि जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्णय कराने के सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू किया जाए। शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी बात की और भारत के खिलाफ जहर उगला। तुर्की के राष्ट्रपति के
अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाने पर हो रही किरकिरी के बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बचाव की मुद्दा में आ गया। उसने कहा कि शहबाज शरीफ ने तुर्की के जम्मू कश्मीर पर लगातार समर्थन देने के लिए उनकी सराहना की है। शहबाज शरीफ ने अर्दोगन से मुलाकात भी की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का दावा है कि अर्दोगन ने शहबाज शरीफ की आर्थिक नीतियों की तारीफ की है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने पाकिस्तान को झटका देते हुए कश्मीर का जिक्र अपने वार्षिक भाषण में नहीं किया। अर्दोगन का पूरा फोकस सीरिया और गाजा युद्ध पर रहा। उन्होंने इसराइल पर जमकर निशाना साधा। अर्दोगन के इस रुख पर पाकिस्तानी सरकार को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इसे पाकिस्तानी नीतियों की असफलता करार दिया गया। अर्दोगन खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अक्सर वो कश्मीर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि ब्रिक्स की मजबूरी की वजह से कश्मीर का मुद्दा भूलना पड़ा है। तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे भारत की सहमति लेनी होगी। भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है, ऐसे में अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर तुर्की को भारत के आगे थोड़ा झुकना पड़ रहा है। लेकिन तुर्की जैसे देश ऐसे देश हैं जो एक बार काम हो जाने के बाद वापस से अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसलिए भारत को बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा कि न जाने ब्रिक्स में आने के बाद क्या करेगा तुर्की। खैर, फिलहाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है कि ये यूएन पहुंचे, इन्होंने बहुत कुछ उम्मीद करी, लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है। आपको बता दूं, कहा तो ये भी जा रहा है कि एक ऐसे रूट से ये निकले जिस रूट से इनको डर लग रहा था कि कहीं प्रोटेस्ट न हो, इसी वजह से ये सावधानी से निकलने की कोशिश कर रहे थे यूएन में। अब प्रोटेस्ट किस बात के हो रहे हैं? प्रोटेस्ट बलूचिस्तान का हो रहा है, जिस वजह से इनको दूसरा गलियारा पकड़कर निकलना पड़ा है। खैर, पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है कि इसे तुरंत से हल कर पाना आसान नहीं रहने वाला है। दूसरी बड़ी चीज, इनके घर में खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं। इनको चाहिए कि सबसे पहले ये अपने घर की समस्याओं को हल करें, वरना ये बाहर कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रह जाएंगे और इनके अपने ही कई टुकड़े बढ़ जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका एक ऐसा इलाका हो गया है जहाँ ये देखने को मिल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकार के हाथ से अब चीजें निकलती जा रही है। यहाँ सरकार का कोई खास इफेक्ट नहीं रह गया है। कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बवाल भी चल रहे हैं। अब आने वाले समय में पाकिस्तान खुद को कैसे बचा कर रख पाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ कि भारत की नकल की जाए, लेकिन भारत की नकल करना इतना आसान नहीं है। वैसे ये बार बार दुहाई दे रहे हैं अमेरिकी सरकारों को कि आप हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।